हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक यूनिट्स की। मैंने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा दिया है, मेरे आई बटन में जाके आप देख लीजिए कि मैंने प्लस वन को स्टार्ट कर दिया है और प्लस वन के सभी टॉपिक्स में विजुअली डिस्कस करूंगा और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी तरह की भी। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं बेसिक यूनिट्स की। तो बेसिक यूनिट्स यानी कि टोटल हमारे पास बेसिक यूनिट्स मान लीजिए 7 बेसिक यूनिट्स टोटल, ठीक है। अब दो फंडामेंटल यूनिट, दो आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट यदि हम और ऐड कर देते हैं इसके अंदर तो टोटल मिला के कुल 9 यूनिट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी ये जो यूनिट्स हैं इनसे ही हमारे हर फॉर्मूले बनते हैं जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। हम इस टॉपिक में ये बताने की भी कोशिश करेंगे साथ साथ कि फंडामेंटल यूनिट्स होती है और आपका डिराइव्ड यूनिट्स होती है। तो मेरा जो वीडियो मैंने बनाई है पहले उनको आप देख लीजिए तो उसमें आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं कुछ मैं ब्रीफ में कुछ बातें बताना चाहता हूँ जैसे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है। ये फर्दर इनको हम किसी ड्राइव नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल यूनिट्स होती है जैसे मास हो गया, किलोग्राम हो गया आपका और सेकंड हो गया। ये मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा दी। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ केल्विन के बारे में। केल्विन को हम समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। तो केल्विन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द केल्विन। तो केल्विन ये है, इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का तो यूनिट होता है, ठीक है। अब हमको एक बार इसको समझने के लिए समझनी होगी, एक वर्ड है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो क्या है, सबसे पहले आप ये समझे, क्योंकि अगर तुम सब बच्चों ने ये नहीं समझा मेरी इस लैंग्वेज को आप रटते रहे, रट्टाफिकेशन लगाते रहे तो क्या होगा, एग्जाम में यू विल फॉरगेट, आप भूल जाएंगे आपने क्या पढ़ा, केल्विन होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात यह है कि केल्विन जो है ये टेम्परेचर का एक यूनिट होता है। अब आती है बात की ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसमें एक वर्ड आएगा तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता क्या है। एक्चुअली में क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में ये है कि प्रेशर और टेम्परेचर का एक ग्राफ जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वाटर की थ्री स्टेट होती है। एक तो वाटर हो गया, ठीक है, तो वाटर हो गया, आइस हो गया और आपका वाटर वेपर्स हो गया। तो ये थ्री स्टेट्स हैं, यानी कि थ्री फॉर्म्स होगी वाटर की। तो वाटर और आपका वाटर तो लिक्विड फॉर्म में, आइस फॉर्म में और वाटर वेपर जो है वो गैसेस फॉर्म में होगी। तो इट इज डिफाइंड एज, मैं इस डेफिनेशन को बोर्ड पे लिख रहा हूं कि इट इज डिफाइंड एज 1/273.16 थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट, ये मेन पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है ये हमारे पास मेन पॉइंट आपको रखना है। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, ठीक है। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो डेफिनेशन में आया, ये वर्ड का मीनिंग क्या है, देखिए प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ हम बनाते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर का जो हम ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए ये लाइन हम ले रहे हैं वाटर के लिए, सपोज हमने वाटर के लिए सुपर सीडर किया तो ये वाटर हो गया और एक लाइन हमने ले ली यहाँ पर, ये हमने ले ली आपकी आइस की और थर्ड हमने ले ली वाटर वेपर्स की, योगी वाटर वेपर्स। तो देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट रहा, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट, तो ये क्लियर हो गया। तो ये हो क्या रहा है यहां पर कि वाटर का एक हमारे पास रे है, एक हमारे पास ले लिया हमने इसको आइस का यानी कि सॉलिड का, एक वाटर वेपर्स का। तो वेयर ऑल थ्री स्टेट ऑफ द वाटर को एग्जिस्ट, जहां पर ये मिलती है उस जगह पर जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं केल्विन। तो ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इट इज डिफाइंड। अब आप रटेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इट इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन करते हैं कि 1/273.16 थर्मोडायनेमिक्स
टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वॉटर, यानी कि ये जो ट्रिपल पॉइंट है यहां पर जो टेम्परेचर है उसको हम बोलते हैं केल्विन। तो ये हमारा केल्विन का डेफिनेशन हो गया, यानी कि इसको हम निकालेंगे कैसे, क्या होता है कि 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर एंड द टेम्परेचर 273.16, ये टेम्परेचर हुआ 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हर से केल्विन का डेफिनेशन हो गया कंप्लीट। तो केल्विन को आप भूलेंगे नहीं मेरे ख्याल से, बहुत ही इजी मैंने डेफिनेशन को बताया कि मेन याद रखना है 1/273.16। कोई तुमसे ये पूछता है भाई केल्विन क्या चीज है और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स वो होना चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर इज दैट पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आइस वाटर एंड वाटर वेपर्स ये कोएग्जिस्ट होती है, ये कोएग्जिस्ट जिस पॉइंट पर होती है वहीं पर जो टेम्परेचर होता है उसे हम 1 केल्विन बोलते हैं। तो इस टॉपिक में तो इतना ही रहेगा, यही हमारे पास प्लस 1 में इतना ही हमें जरूरत है, ठीक है। इसको हम यहां से रख कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया पॉइंट। एंड नाउ सेकेंड इज द एम्पियर, अब हम एम्पियर की बात करते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, एम्पियर। तो ये एम्पियर जो है, एम्पियर इट इज द यूनिट ऑफ करंट, इट इज द यूनिट ऑफ करंट, ये करंट का यूनिट है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं बहुत ही एक अच्छा सा पॉइंट, अच्छा सा डायग्राम बोर्ड बना रहा हूं, उससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखिए सपोज वी हैव द टू कंडक्टर्स, हमारे पास मान लीजिए दो कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर हमारे पास ये है और एक कंडक्टर हमारे पास ये है, ये हमारे पास दो कंडक्टर है, इसको हमने लिया P और इसको हमने माना Q, ओके। एंड दीज टू कंडक्टर्स वी केप्ट हियर 1 मीटर अपार्ट टू वन अनदर, एक दूसरे से हमने से 1 मीटर की डिस्टेंस पे इसको यहां पर रख दिया, ये हमने 1 मीटर की डिस्टेंस इसको यहां पर रख दिया, ठीक है। अब ये दो वायर जो है इसके बीच में मान लीजिए हम यहाँ करंट फ्लो कर रहे हैं, तो करंट जो फ्लो करेंगे I1 and I2 जो करंट जा रहा है, ठीक है। अब ये करंट जाने से क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन क्योंकि एक ही तरफ है, ठीक है, तो इसमें एक फोर्स डेवलप होगा, एक फोर्स डेवलप होगा, वो फोर्स की जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। तो ये करंट जो है इसका डेफिनेशन क्या है कि करंट का तो ये यूनिट है एम्पियर, और इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है, द करंट जनरेटिंग ए फोर्स, करंट जनरेटिंग ए फोर्स, द करंट जनरेटिंग ए फोर्स, द करंट जनरेटिंग ए फोर्स, जनरेटिंग ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। देखिए जैसे करंट उसके अंदर चलेगी तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, उस फोर्स का जो ऑर्डर है यानी कि फोर्स जो है इस ऑर्डर के होगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का, जो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, फोर्स डेवलप होगा तो क्या होगा, फोर्स डेवलप होने से बिटवीन टू यानी कि क्या हो रहा है न्यूटन पर मीटर बिटवीन टू कंडक्टर्स, बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, और ये जो पैरेलल कंडक्टर्स हैविंग द इनफाइनाइट लेंथ, इनका जो लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब बहुत ही इनफाइनाइट लेंथ के बने हुए हैं, यहाँ पे हम डैश डैश शो करके ये शो कर सकते हैं कि इनका लेंथ जो है वो इनफाइनाइट लेंथ है, एंड क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, और इनका जो एरिया है वो नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। एंड जस्ट 1 मीटर अपार्ट टू वन अनदर, तो डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, द करंट जनरेटिंग ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर बिटवीन बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स इनफाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इतनी सी डेफिनेशन हम इसमें याद करनी है,
एंड कैप्ट आर कैप्ट 1 meter अपार्ट 1 meter डियर स्टूडेंट। तो ये डेफिनेशन आपको कितनी आसान लग रही है कि कोई पूछे कि व्हाट इज द एम्पियर, एम्पियर क्या है, तो आपको ये बताना है कि देखिए कि अगर हमारे पास 2 parallel वायर्स हैं, अगर हमारे पास 2 वायर्स हैं और उन दोनों वायर को हमने 1 meter की दूरी पर रख दिया, 1 meter की डिस्टेंस पर रख दिया दोनों को, इसको हमने P कंसिडर किया, इसको हमने Q कंसिडर किया। When the current flowing between the 2 parallel conductors, okay, जब parallel current parallel conductors में current flow करेगी तो एक force develop होगा, वो force जो है किस order का force होगा, 2 × 10⁻⁷ N/m। अगर इतना force develop हो रहा है, in that case we will say 1 ampere current is flowing through the wire, okay, कितना आसान है, बार बार में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पॉइंट कितना ही इजी डेफिनेशन बन गया है कि हमारे पास 2 parallel कंडक्टर हैं, उन दोनों parallel कंडक्टर में हम करंट को फ्लो करते हैं, करंट छूटते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होगा, वो जो फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, वो जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो फोर्स क्या करेगा, वो फोर्स जो डेवलप हो रहा है वो फोर्स का ऑर्डर होगा 2 × 10⁻⁷ N/m, ठीक है, और जो ये इनका कंडक्टर से उनका जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट लेंथ, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो नेग्लिजिबल हम मान लेते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया एम्पियर, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम इतने करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं मोल, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स मोल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स को मैसेज कर दें या लिंक भेज दें, कहो उनको चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह सभी वीडियो डिस्कस। तो नेक्स्ट इसमें पार्ट क्या है हमारे पास, मोल। तो मोल को हम ये लिखेंगे, तो मोल क्या जाएगा, मोल हमारे पास है, मोल है, इट इज द यूनिट ऑफ किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ मैटर, ये हमारे पास यूनिट ऑफ मैटर है। तो मोल को समझने के हम करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ओके, इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंटेनिंग इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट as there are contains 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। तो ये डेफिनेशन तो बहुत इजी हो गई, इसमें ये कह रहे हैं कि यदि हमारे पास 1 mole साल्ट है, यानी कि नमक है, 1 mole हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि 1 mole हमारे पास शुगर है, चीनी है हमारे पास, या कुछ भी हमारे पास, ये कंसीडर करते हैं कि अगर हमारे पास 1 mole है तो वो 1 mole के अंदर जो एलिमेंट्री पार्ट यूनिट्स आएंगी वो कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में भी उतनी ही होंगी, यानी कि जितना हमारे, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 1 mole कुछ भी सब्सटेंस है, कोई भी हमारे पास मैटर है, तो इसका मतलब उसके अंदर 6.023 × 10⁻²³ एलिमेंट्री यूनिट्स होंगी उसके अंदर, यानी कि ये हमारे पास एवोगाड्रो नंबर हुआ। तो यही हमारे पास मोल का डेफिनेशन है कि मोल में ये बताया गया है कि इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ये किसी सब्सटेंस की वो मात्रा है, वो क्वांटिटी है, कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स जितने कार्बन 12 के अंदर होती है, तो ये हमारे पास हो गया 1 mole, ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं कैंडिला के, इसके बारे में जो है उस पोर्शन को हम कैसे करेंगे, कैंडिला को हम कैसे करेंगे कि कैंडिला क्या होती है। देखिए कैंडिला जो है वो यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। कैंडिला को मैं लिखता हूं, इट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी
यानी कि हमारे पास जो लाइट है क्या होता है, ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, चमक होती है। ल्यूमिनस का मतलब क्या है, लाइट का निकलना, रेडिएशन का निकलना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक जो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ये है आपका कैंडेला, इसका यूनिट है। तो जैसे हमने और बताया मास है, किलोग्राम है, केल्विन है, मोल है, एम्पियर है, इसी तरह से ये एक यूनिट है कैंडेला, किसकी यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। अब हमें समझना है कि इस यूनिट में हो क्या रहा है। तो इट इज द यूनिट ऑफ, इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यहां से इसका डेफिनेशन स्टार्ट है। इट इज द, एक वर्ड तो मैं बताऊंगा, इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन, किसके कारण, ड्यू टू ए सोर्स, ड्यू टू ए सोर्स, ड्यू टू ए सोर्स, इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ड्यू टू ए सोर्स, ड्यू टू ए सोर्स विच विच एमिट्स, जो निकालता है, विच एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ, रेडिएशन ऑफ 540 × 10^12 हर्ट्ज, ऑफ विच द रेडिएंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन इज 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये हमारे पास, मैंने डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दी, ये तुम्हारी बुक में भी लिखी है। अब मेन बात आती है इसको समझना किस तरह से, यानी कि ये जो हमारे पास ये जो रेडिएशन है, जो आपका कैंडेला यूनिट है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट, ठीक है। अब इसको आपने समझना है, ठीक है, क्योंकि बिना समझे तो आप इसको लिख ही नहीं सकते, आप रेटाफिकेशन करेंगे, ग्रेजुअली यू विल फॉरगेट द मैटर कि आपकी डेफिनेशन क्या थी। तो अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, मैंने बोर्ड पे सब टोटल लिख दिया है कि एक्चुअली में है क्या, एक तरह फिर बता दूं कि इट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ये यूनिट है। दूसरी बात, इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन गिवन है ड्यू टू ए सोर्स, यानी कि किसी सोर्स से कोई लाइट आ रही है। आप इसको इन नट शेयर में आप इतनी सी बात कर सकते हैं कि एक लाइट है जो रेडिएट हो रही है, निकल के आ रही है, इसे बल्ब की रोशनी है, ठीक है, निकल के आ रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में जो ये बल्ब है, जो भी ल्यूमिनस का मतलब जो भी चमकती हुई चीज है, उसके अंदर की जो फ्रिक्वेंसी है, यानी कि वो इस ऑर्डर की फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन कर रहा है, रेडिएशन मैंने निकलना, किसी चीज का बाहर की तरफ आ जाना, ठीक है। 540 × 10^12 हर्ट्ज ऑफ, हर्ट्ज का मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाल रहा है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब हो गया कि इसके जो कलर होगा वो एक ही होगा, एक ही तरह का इसमें लाइट होगा। तो ये उसकी फ्रिक्वेंसी है, यानी कि इस फ्रिक्वेंसी का निकाल रहा है, बिकॉज हर्ट इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इस फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन बाहर आ रहा है, ऑफ विच द रेडिएंट इंटेंसिटी, जो उसकी रेडिएंट इंटेंसिटी यानी कि उसके निकलने की तीव्रता, निकलने की स्ट्रेंथ जो है, इंटेंसिटी जो है, ताकत जो है, जो उसकी, ठीक है, वो ताकत जो है कितनी हो रही है, इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में 1/683 वॉट पर स्टेडियन है। यानी कि अब मैं तुमको ये फिगर के थ्रू यदि बताऊं, मैं इस पार्ट को यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, ये मैंने यहां से इसको हटा दिया, ये हो गया हमारे पास। अब मैं इतने पार्ट को यहां लिखा हुआ है, अब आप ये मान के चलिए कि ये हमारे पास सोर्स है और इससे कुछ रेडिएशन हो रहा है, तो रेडिएशन इस तरह से फैल रहा है, और ये हमारे पास इतना साइज इसका बन गया लाइक एंड कोन। तो ये जो है यहाँ पर सॉलिड एंगल है, ये हमारे पास सॉलिड एंगल है, तो इसमें से जो भी लाइट यहाँ पर, जो भी रेडिएशन इस तरह से निकल के आ रहा है, ठीक है, वो इस वाले रेडिएशन, इसमें से जो निकल के आ रहा है वो रिसीव कर रहा है 1/683 वॉट, इतने वॉट पर स्टेडियन निकल रहा है,
स्ट्रेनियन एक तरह का क्या हो गया, सॉलिड एंगल हो गया। तो सॉलिड एंगल यानी कि इतना जो इसका क्षेत्र बन रहा है, इसका जो एरिया इतना बन रहा है, उस एरिया में से जो निकल रहा है वो इतने वाट निकल रहा है, यानी कि 1 ऊपर रख के 683 से आप उसको डिवाइड करें तो 0.000 वाट एनर्जी आपको मिलेगी, यानी कि इतना उसका रेडिएंट इंटेंसिटी है। ठीक है, तो रेडिएंट इंटेंसिटी उसका कितना हो गया है, 1/683 वाट पर स्टेडियन। तो मेरे ख्याल से टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, आपको साथ कोई पूछेगा कैंडेला होता क्या है, आप इसे समझाइए, तो आप उसको इतना कहेंगे कि एक बल्ब है सपोज, उससे रेडिएशन बाहर निकल रहा है, और जो रेडिएशन एनर्जी बाहर निकल रही है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 540 × 10^12 Hz, ऑफ विच द रेडिएंट इंटेंसिटी जो निकल रही है, फ्रीक्वेंसी तो इतना है लेकिन जो रेडिएंट इंटेंसिटी आ रही है वो उसी डायरेक्शन में है। तो जहां हमारा सॉलिड एंगल बन रहा है, ये सॉलिड एंगल मान लीजिए रिंग है जैसे इस तरह से, तो इसमें से जितना निकल रहा है ठीक है वो ले रहा है इतना, इतने वॉट पर स्टेडियन निकल रहा है। तो यही है फ्रीक्वेंसी का जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो फ्रीक्वेंसी है 540 × 10^12 Hz। तो ये यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि कैंडेला को समझने में। ठीक है, तो क्या कहना है आपने कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, उसका पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है, किसी तरह एक डायरेक्शन है उसका, और वहां पर एक सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल ये होता है यहां से। ठीक है, इससे जितना रेडिएशन बाहर निकल रहा है वो रेडिएशन तो बन रहा है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो तो है 540, उसका कितना है 540 × 10^12 Hz, तो उसका रेडिएशन है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में है, लेकिन जो उसका इंटेंसिटी है बाहर निकलने का वो है 1/683 वाट पर स्टेडियन। एक तरह से दरवाजे की बात है, दरवाजे से किसी को निकलना है, जैसे दरवाजे में से 4 आदमी निकल सकते हैं, एग्जाम से 8 आदमी नहीं निकल सकते, तो उसका इंटेंसिटी कितना होगा कम आउट का, बाहर निकलने का जो इंटेंसिटी वो 4 है। ठीक है, तो यहां पर जो बाहर निकलने की इंटेंसिटी है इसका रेडिएशन की, वो रेडिएंट जो एनर्जी है उसकी, जो रेडिएंट इंटेंसिटी है वो 1/683 वाट पर स्टेडियन है। तो इस टॉपिक में इतना ही करेंगे, क्योंकि कैंडेला का ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि इसको बेसिक यूनिट आप मान के चलिए। तो इस टॉपिक में इतना ही करेंगे, वी विल सी इन द नेक्स्ट।